दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आइए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न इन इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, इस सब्जेक्ट्स के सेकेंड यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार्टर्ड एक्ट 1813 और प्राच्य पश्चात विवाद। इस दो टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आसान से भाषा में। अगर हम अवध यूनिवर्सिटी की बात करें तो अवध यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर का ये सेकंड सब्जेक्ट्स है और सेकंड यूनिट है, और ये क्लास टू होने वाली है। क्लास वन में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, यूनिट को समझा था, एक्चुअल जो पढ़ाई है वो यहीं से शुरू होने वाली है। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी से पहले शिक्षा की संरचना में आपका पहला टॉपिक है चार्टर्ड एक्ट 1813, जिसे हिंदी में हम आज्ञा पत्र 1813 कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। पहले थोड़ी बहुत हिस्ट्री चलेंगे और जानेंगे कि चार्टर्ड एक्ट किसे कहते हैं, आज्ञा पत्र किसे कहते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। पहला, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत के व्यापार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा जो विवाद उत्पन्न हुआ था, प्राच्य पश्चात विवाद, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल इश्यूज, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज्ञा पत्र किसे कहते हैं, और आज्ञा पत्र को समझने के लिए आज्ञा पत्र देखिए क्या था। आज्ञा पत्र दोस्तों, आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी की जाने वाली एक आदेश पत्र थी। जैसे मान लीजिए हर साल आपको पता है कि हमारे देश में एक बजट पेश होता है, ठीक उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अध्यादेश, एक आज्ञा पत्र जारी होता था जो ये बताता था कि भारत में जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, वो भारत के किन क्षेत्रों में काम करेगी, क्या क्या काम करेगी, और मतलब उस कंपनी को लाइसेंस दिया जाता था। हर 20 साल के बाद वो लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता था। तो 1813 ईस्वी का जो टाइम था वो उस कंपनी का लाइसेंस इशू करने का टाइम था, और चार्टर्ड एक्ट उसी आज्ञा पत्र को हम कहते हैं। जब हम आज्ञा पत्र देते हैं उस कंपनी को, हम नहीं, ब्रिटिश की पार्लियामेंट जब उस ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र देती थी तो उस आज्ञा पत्र को हम चार्टर्ड एक्ट कहते थे, जो कि हर 20 साल में क्या होता था, रिन्यू कराना पड़ता था। यानी कंपनी के पास जो लाइसेंस हुआ करती थी वो 20 साल की हुआ करती थी। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री पे। जैसे हमने कहा कि हिस्ट्री क्या है चार्टर्ड एक्ट की, ठीक है, चूँकि आपको 1813 का आज्ञा पत्र समझने के लिए थोड़ा सा एक नज़र हिस्ट्री पे डालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने। कब आती है दोस्तों? सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है। जब शुरू में ये कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई थी तो इसके पास बस 15 साल का लाइसेंस प्राप्त था। कितना साल का? तो दोस्तों 15 साल का, कि 15 साल आप इंडिया में काम करेंगे, व्यापार करेंगे। 1600 में ये आ गई थी। 1609 ईस्वी में क्या हुआ? 1609 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को असीमित, मतलब लगभग अनिश्चित काल के लिए लाइसेंस दे दिया कि ऐसा है भैया, अब तुम इंडिया में काम करो, क्योंकि उनको मोटा पैसा मिलने लगा इंडिया से, अच्छी अच्छी सामान, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी। ख़ास तौर पे दोस्तों चाय पत्ती, चीनी और ये सारी चीज़ें इंडिया से ब्रिटिश को ज़्यादा मिलने लगी। तो 1609 ईस्वी में कंपनी को हमेशा के लिए, अनिश्चित समय के लिए, इसको क्या कर दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया। और एक और चीज़ बता दूँ, ना केवल लाइसेंस दिया गया बट एक मोनोपोली कर दी गई, मतलब केवल एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो यूरोप की, जो ब्रिटिश की कंपनी होगी जो इंडिया में ट्रेड करेगी, इसके अलावा कोई भी ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। तो एक उसको मोनोपोली कर दिया गया कि बस एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी जो इसमें ट्रेड करेगी, ठीक है। फिर 1872 में चूंकि क्या हुआ, कंपनी के ऊपर बड़ा कर्ज आ गया, मतलब कंपनी की हालत ख़राब हो गई पैसे के मामले में, तो इसने क्या किया, ब्रिटिश से 1,000,000 पाउंड उधार मांगा, कर्ज मांगा। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि यार कंपनी अपने तरीके से चल रही है, शायद कर्ज में चली गई या फिर इसका नुकसान हुआ, जो भी हुआ वो कंपनी का, कंपनी में काम करने वाले के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इनके ऊपर आरोप लगा कि ये अपने सह संबंधियों को रख रहे हैं जो कि अंग्रेजी थे, इंडियन नहीं थे। तो इस तरीके से कंपनी थोड़ी सी घाटे में चली गई, कर्ज में आ गई। तो पहली बार दोस्तों 1773 ईस्वी में एक विनियमन, मतलब रेगुलेटिंग अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जारी किया गया। तो ये पहला ऐसा अधिनियम था जो परिभाषित करता है कि यह कंपनी इंडिया में क्या क्या कार्य करेगी, कब तक कार्य करेगी। तो ये पहला एक अधिनियम कंपनी को बनाया गया, ठीक है। अब
इसमें शर्त ये रखा गया कि हर 20 साल के बाद इसको रिन्यू किया जाएगा, और उसी रिन्यूअल को, उसी जो आज्ञा पत्र को हम चार्टर्ड एक्ट कहते हैं। तो 1773 में इसका क्या कर दिया गया भाई, एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी कर दिया गया। 1773 के ठीक 20 साल के बाद चार्टर अधिनियम 1793 आया। फिर ठीक उसके 20 साल के बाद हमारा क्या आ गया भाई, हमारा आ गया चार्टर्ड एक्ट 1813। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपका जो दोस्तों एग्जाम्स में यहाँ से पढ़ना है कि 1813 का आज्ञा पत्र क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, शिक्षा जगत में इस पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के व्यापार पे इसका क्या प्रभाव, आपको यहाँ पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि मैंने बताया। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ पर टॉपिक पे। अभी तक हमने ये बताया दोस्तों कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में इंडिया में आई थी व्यापार करने, 15 साल के लिए वो काम करने आई थी, लेकिन 1609 में उसे अनिश्चित समय के लिए लाइसेंस दे दिया गया कि तुम भारत में काम करो। लेकिन 1772 में क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब नहीं हुई, तो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1,00,000 पाउंड का कर्ज मांगा। तो उसी को देखते हुए 1773 ईस्वी में एक पहली परिभाषित रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कंपनी को एक क्राइटेरिया में हम फिक्स करेंगे, हम कंपनी को काम वाम देंगे तो ये काम करो, ठीक है। तब तक क्या था, 1773 में एक यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास, और वो लाइसेंस हर 20 साल के बाद रिन्यू होना था। तो जब 1793 आया तो वो लाइसेंस रिन्यू की बात आई, ठीक है। फिर आगे आप 1813 जहाँ पे हमें पढ़ना है, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको पढ़ना है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813, इसको हम चार्टर एक्ट 1813 या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 कहते हैं। ओके, अधिनियम 1813 के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर्ड को नवीनीकृत किया और जारी रखा। 1813 ईस्वी क्या था भाई, 1813 ईस्वी एक चार्टर्ड एक्ट था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस था उसको रिन्यू कर दिया और उसको काम करने के लिए कर दिया। लेकिन इस कानून से पहले, इस अधिनियम से पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कि वो अकेले काम करती थी। लेकिन 1813 के बाद से नई यूरोपियन कंट्री को, सॉरी नई ब्रिटिशर्स कंपनी को भी यहाँ पे आने का मौका दिया गया, केवल चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक केवल एकमात्र यूरो ब्रिटिशर्स कंपनी थी जो काम करती थी, अब उसको कहा गया कि आपके साथ साथ ब्रिटेन की दूसरी कंपनियाँ भी इंडिया में आके ट्रेड करेंगी, व्यापार करेंगी। अब दूसरों के लिए भी भारत में व्यापार करने का रास्ता खुल गया, किस अधिनियम के तहत, 1813 के तहत, ठीक है। लेकिन चीन, अफीम और चाइना के साथ ट्रेड केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इस मामले में कोई और कंपनी दखल नहीं देगी। चलिए, यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा और क्यों बीएड के सिलेबस में रखा जाता है। देखिए, 1813 से ठीक पहले कब था भाई, 1793 में। जब 1793 में एक इसको जब लाइसेंस रिन्यू करना था तो दो लोग थे, कौन कौन थे भाई, रॉबर्ट विलफोर्स और चार्ल्स ग्राउंड, ठीक है। और कुछ ईसाई मिशनरीज थे जो पॉप थे, उन्होंने कहा कि कंपनी इंडिया में काम तो करती ही है, हमें ऐसा करिए, हमें इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने दीजिए, ठीक है। देखिए दिमाग कहाँ पे, देखिए उसने कहा कि भाई हम कंपनी तो इंडिया में काम करती है, तो जब आप 1793 का चार्टर्ड एक्ट में कंपनी के एक और अधिकार दे दीजिए कि भाई कंपनी इंडिया में क्या कर सकती है, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती है, ठीक है। लेकिन उस समय एक थे जैक्सन, रेडल जैक्सन, उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, कंपनी का काम व्यापार करना है तो व्यापार करे, धर्म का काम क्यों करेगी। तो 1793 में यह बात हटा दिया गया कि ठीक है, व्यापार आप केवल व्यापार करिए, धर्म का काम मत करिए। लेकिन जब 1813 आया दोस्तों, तो 1813 में यह मांग और तेज होने लगी कि नहीं भैया, हमें ईसाई धर्म का प्रचार करना है। तो 1813 में दोस्तों, 1813 में क्या किया गया, 1813 में ईसाई मिशनरीज को अनुमति दे दी गई कि जो नैतिक सुधार और धार्मिक धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में आना चाहते थे वो आ सकते हैं, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहला आपने देखा 1813 के आज्ञा पत्र में नया क्या था, कि कंपनी को, कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियों को भी यहाँ पर ट्रेड करने का मौका दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चीन, अफीम और चाइना के साथ व्यापार में मोनोपोली रही। दूसरा क्या था,
कि ईसाई धर्म के प्रचार जो लोग करना चाहते थे भारत में उसको अनुमति दे दी गई और कंपनी भी चाहे तो ईसाई धर्म यहाँ पे प्रचार कर सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी और कंपनी के लोगों ने इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार किया। तो यहाँ पे दो बातें आपको नहीं मिली। तीसरी बात क्या थी दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पे ये थी कि 1813 ईस्वी में तीन नई धाराएं जोड़ी गई जिसमें से एक धारा थी धारा 43। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में धारा 43 जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि कंपनी को भारतीय की शिक्षा में हर साल 1,00,000 रुपये का निवेश करना चाहिए, कम से कम 1,00,000 रुपये हर साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत की शिक्षा में निवेश करेगी, मतलब भारत में शिक्षा को बढ़ावा के लिए खर्च करेगी। यह शिक्षा के वित्तीय अनुदान को बढ़ावा देने में मदद करता है, अंततः छात्रों के बीच विज्ञान और भारतीय साहित्य का ज्ञान का बढ़ावा देता है। मतलब उसी चार्टर्ड एक्ट में एक और चीज़ जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं धारा 43। इसको भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के किस धारा में 1,00,000 रुपये कंपनी को खर्च करने की बात की गई, तो वह है दोस्तों धारा 43, ठीक है, आर्टिकल 43। तो अब यहाँ पर देखिए तीन काम हो गया, पहला तो उसकी मोनोपोली खत्म हो गई, दूसरा दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो गया और तीसरा कंपनी से कहा गया कि आप 1,00,000 रुपये यहाँ पे खर्च करिए भारत की शिक्षा व्यवस्था पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, देखिए चार्टर्ड एक्ट 1813 की धारा 43 में प्रावधान किया गया कि प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये भारत के विद्वान निवासियों, ठीक है, के उत्साह वर्धन एवं साहित्य के संरक्षण व विकास के लिए तथा ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधित ज्ञान के पुनरुत्थान व प्रवर्धन हेतु पृथक से व्यय किए जाएं। अब यहाँ पे दो चीज़ समझिए, यही बात चार्टर्ड एक्ट की धारा 43 में कही गई। क्या कहा गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये भारत के विद्वान, ठीक है, के उत्साहवर्धन और साहित्य के संरक्षण व विकास के लिए, भारत के विद्वान और साहित्य के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये खर्च किए जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीय को लगा कि इस धारा के जुड़ जाने के फलस्वरूप उनकी शिक्षा उचित व्यवस्था हो जाएगी, परंतु उनकी आशाओं के विपरीत आज्ञा पत्र में 1,00,000 रुपये की जो धनराशि को व्यय करने का ढंग नहीं लिखा था, साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं था और भारत के विद्वान का अर्थ स्पष्ट नहीं था, इसी कारण कंपनी के संचालकों में विवाद उत्पन्न हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 1813 से 1833 की अवधि के दौरान कोई विशेष शैक्षिक प्रगति नहीं हुई। बात समझ में नहीं, समझने की कोशिश करिए, धारा 43 में कहा गया कि कंपनी कम से कम 1,00,000 रुपये भारत के साहित्य के लिए और भारतीय विद्वानों पर खर्च करेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि भारत के विद्वान के मतलब कौन, क्या वो लोग जो भारत के विद्वान हैं मतलब हिंदी संस्कृत फारसी अरबी के विद्वान हैं, या वो विद्वान जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो विद्वान, समझ में आ गई बात। साहित्य का मतलब कौन सी साहित्य, भारत की साहित्य या अंग्रेजी साहित्य, तो यहाँ पे विवाद हो गया। इसी विवाद को दोस्तों हम कहते हैं प्राच्य पश्चात विवाद। बात समझ में आ गई, चलिए एक बार देखिए कि आप एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 1813 की जब बात आएगी तो आप 1813 को कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब देखिए, जब 1813 को आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए कि 1813 ईस्वी में आप चार्टर्ड एक्ट 1813 को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखिए, फिर हम देखते हैं कि आगे आपको और क्या पढ़ना है इसमें। चलिए तो सबसे पहले हम बताएंगे कि चार्टर्ड एक्ट होता क्या है। चार्टर्ड एक्ट भाई कि भारत में काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20 साल के बाद उसके लाइसेंस का रिन्यू यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं नवीनीकरण किया जाता है, जिसे हम चार्टर्ड एक्ट कहते हैं। सो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये अधिनियम पेश किया गया लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। सो 1813 ईस्वी में हमें पेश किया गया यहाँ से चार्टर्ड। अब इसकी कुछ विशेषताएं आप हेडिंग डालिएगा और इसकी विशेषताओं में आप मेंशन करिएगा कि इसकी जो एकाधिकार था मतलब मोनोपोली था, जो अकेले का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और चाय अफीम और चीन के साथ अधिकार बना रहा, समझ में आ गई बात। जो मोनोपोली थी एकाधिकार तो उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी चाय अफीम और चीन के साथ अभी भी एकाधिकार अभी भी मोनोपोली थी, ठीक है। और ये कहा गया कि हर 20 वर्ष के बाद इसका फिर से रिन्यू यानी कि नवीनीकरण किया जाएगा, ठीक है।
इसकी विशेषताओं में एक पॉइंट और है कि इस अधिनियम के बाद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कंपनी को इजाजत दे दी गई, परमिशन दे दिया गया। अगला विशेषता लिखेंगे, इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वो भारत में कम से कम 1,00,000 रुपये शिक्षा पे, भारतीय शिक्षा पे व्यय करेगी। तो यहाँ पे इसकी विशेषताएँ हो गई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप धारा 43 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि धारा 43 में जो मेंशन किया गया था 1,00,000 रुपये खर्च करने की, उससे कंपनी में एक विवाद हो गया, ठीक है, जिससे जो विवाद 1813 से 1833 ईस्वी तक चलता गया। अब आइए इसकी कुछ कमियां यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा हेडिंग बना के। कमियां क्या थी कि आज्ञा पत्र के शिक्षा के स्वरूप और माध्यम के विषय में कोई संकेत नहीं दिया गया था कि भाई आप शिक्षा पे खर्च करेंगे तो शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा कि अंग्रेजी हो गया, इसकी बात नहीं कही गई थी। दूसरा दोस्तों, भारत धारा 43 के संबंध में बड़ी भ्रांति थी। कुछ विद्वान साहित्य का अर्थ भारतीय साहित्य से ले रहे थे, कुछ पाश्चात्य साहित्य से, वेस्टर्न कल्चर से। भारतीय साहित्य के विषय में भिन्न मत थे, कुछ संस्कृत हिंदी अरबी और फारसी साहित्य ले रहे थे, कुछ सभी भारतीय भाषाओं को साहित्य में ले रहे थे। कुछ को लगता था हिंदी अंग्रेजी फारसी, कुछ को लगता था कि भारत के सभी भाषाएं, और कुछ सदस्यों को लगता था कि केवल अंग्रेजी ही साहित्य, मतलब अंग्रेजी के विकास में ही खर्च करना। अब यहाँ पर देखिए, उपरोक्त भ्रांतियों के परिणाम स्वरूप कंपनी के कर्मचारी दो गुट में बट गए और कंपनी के कर्मचारियों के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे हम प्राच्य पश्चात विवाद कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक लिख लेंगे। अगर केवल आज्ञा पत्र चार्टर्ड एक्ट पूछता है तो आप यहीं तक लिखिएगा। अब आइए, अब हम आते हैं कि प्राच्य पश्चात विवाद क्या है, क्योंकि कभी कभी आपसे सवाल ऐसा भी पूछ लेगा कि प्राच्य पश्चात विवाद के बारे में बताइए। तो चलिए देखिए, प्राच्य पश्चात विवाद क्या है, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे, प्राच्य पश्चात विवाद का मुख्य कारण। चलिए, तो विवाद का मुख्य कारण क्या था, अभी तक थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा कि विवाद का मुख्य कारण था कि 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयुक्त किए गए दो शब्द कौन कौन से, साहित्य और भारतीय विद्वान। प्राच्यवादी और पश्चातवादी इन शब्दों की व्याख्या अपने अपने ढंग से किए, ठीक है। प्राच्यवादी कहते थे कि धारा में साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ है, इन दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का भारतीय विद्वान। प्राच्यवादी मानते थे कि भारतीय साहित्य का मतलब अरबी, हिंदी और संस्कृत और अरबिक, ठीक है, और भारतीय विद्वान का मतलब जो इन भाषाओं का विद्वान है। पाश्चात्यवादी मानते थे कि इन दो शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण, इतना छोटा नहीं हो सकता, साहित्य में अंग्रेजी का विशेष स्थान है, मतलब भारतीय साहित्य का मतलब आप अंग्रेजी पे भी पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया प्राच्यवाद, और यहाँ प्राच्यवादियों का हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिखिएगा और प्राच्यवादियों को समझिएगा कि प्राच्यवादी दल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे, ठीक है। इसमें प्रमुख वॉरेन हैसिंग्स और जॉन एथन डंकन भी थे। ये कलकत्ता मद्रास और बनारस कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, उन्हें प्राच्यवादी नीति का पक्ष लिया। लॉर्ड मिंटो भी इसी के विचारक थे। तो ये लोग प्राच्यवादियों में थे, ठीक है, जो कि मानते थे कि संस्कृत और हिंदी पे खर्च करिए, अरबी पे खर्च करिए। प्राच्यवादियों ने शिक्षा के पक्ष में कुछ तर्क दिए थे। क्या तर्क दिए थे भाई, जो हिंदी संस्कृत को मानते थे, उन्होंने कहा था कि पहला तर्क था कि भाई भारत में पश्चात ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता या संस्कृति खत्म हो जाएगी। दूसरा तर्क यह था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से भारतीय साहित्य नष्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत युगों युगों का ज्ञान है। हमें इस बात का डर था कि भाई हमारी साहित्य खत्म हो जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीसरा तर्क था कि जब भारतीय के पास अपनी स्वयं की प्राचीन भव्य संस्कृति है तो उनको अन्य देश की भाषा या साहित्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण होगा। ये हमारे पास प्राच्यवादियों का तर्क था। इसके विपरीत जो पश्चात्यवादी थे, उनका मानना था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऑलरेडी मरणासन पे जा चुकी है, अब इसमें पैसे खर्च करना व्यर्थ होगा। तो पश्चात्यवादियों का मानना था कि ये जो 1,00,000 रुपये है वो अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च की जाए, ठीक है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को, इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए 10 जून 1835 में लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानून सदस्य के रूप में भारत में आगमन किया, भारत में आए। उस समय तक प्राच्य पश्चात विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बेंटिंक कौन थे, उस समय के गवर्नर जनरल थे। उनका विश्वास था कि मैकाले जैसे प्रकांड विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है। इसी विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। फिर उसने मैकाले को से 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की अंकित 1,00,000 रुपये की धनराशि को व्यय करने की विधि वो अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में
कानूनी सलाह लेने का अनुरोध किया। साथ ही उसने समिति के मंत्रियों को प्राच्यवादी और पश्चातवादी दल के वक्तव्यों को मेघालय के पास पेश करने के लिए आदेश दिया। तो दोस्तों, इसी प्राच्य पश्चात विवाद को सुलझाने के लिए मेघालय जो है इंडिया आए थे। तो उनसे उस समय के गवर्नर जनरल ने कहा कि भाई अपनी आप राय रखिए, और जो धारा 43 में 1,00,000 रुपये को खर्च करने की बात कही गई है उसको कहाँ खर्च किया जाए इस पर अपने विचार रखिए। तो यहाँ से मेघालय आते हैं और मेघालय दोनों से बात करते हैं। दोनों से बात करने के बाद बताते हैं कि 1,00,000 रुपये को कहाँ खर्च करना है। पूरा एक विवरण पत्र जारी करते हैं जिसको हम कहते हैं मेघालय का विवरण पत्र। यहाँ से एक शुरू होगा मेघालय का विवरण पत्र। तो मेघालय का विवरण पत्र क्या होता है और 1,00,000 रुपये को कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है, ये दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा, वो है दोस्तों मेघालय का विवरण पत्र। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए एक बार मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूँ। ये बिल्कुल हिस्ट्री की चीज़ें हैं, बस इसको देखते हुए समझते हुए पढ़ते हुए जाना है। नोट्स अपने शब्दों में बनाइएगा, बाकी इसका PDF में भेज दूंगा। दो बहुत खास बात करनी है आप लोगों से। पहले आइए एक बार इसको थोड़ा इसको हम रिन्यू वो कर देते हैं, रिन्यू दिमाग में आ गया, मतलब इसको समराइज करते हैं एक बार, इसका रिविजन करते हैं। चलिए देखिए, चार्टर्ड एक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना था और दूसरा पढ़ना था प्राच्य पश्चात विवाद। ठीक है, तो अब आइए चार्टर्ड एक्ट की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आपने क्या देखा दोस्तों, पहले चार्टर्ड एक्ट होता क्या है इसके बारे में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे काम करती थी उसी के लाइसेंस को जब रिन्यू करने होता था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया जाता था और वो वहाँ पे लाइसेंस को रिन्यू करते थे, इसे चार्टर्ड एक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1600 में आई थी और पहले तो 15 साल के लिए आई थी, लेकिन 1609 में क्या किया गया, असीमित समय के लिए इसको लाइसेंस दे दिया गया काम करने के लिए कहा गया। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया जिसमें इसके लिए एक परिभाषित किया गया क्या काम करेगी कैसे करेगी ये सारी चीज़, और इसमें कहा गया कि हर इस लाइसेंस को आपको हर 20 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। चलिए, फिर इसके 20 साल के बाद 1793 का चार्टर्ड एक्ट आता है जिसे हम चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1793 कहते हैं। तो जब 1793 आया उस समय दो थे, दो बड़े आगे पीछे करने वाले थे, तो दो जो थे कौन कौन सा, रॉबर्ट विलफोर्स और चार्ल्स, वो 1793 में उन्होंने कहा था कि ऐसा है ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दीजिए कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करें। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रेडल जैक्सन, उन्होंने मना किया, नहीं ऐसी बात नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी काम व्यापार करना है, व्यापार करें, क्या जरूरत है ईसाई धर्म का प्रचार करने की। तो 1793 में तो इन्होंने रोक लिया था, लेकिन जब इसके 20 साल बाद दोबारा से, मतलब थर्ड टाइम जब 1813 में आज्ञा पत्र आया उस समय ये रोक नहीं पाए थे, उस समय कंपनी को इस बात की इजाज़त दे दी गई थी। तो 1813 की जो चार्टर्ड एक्ट थी उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थी कि अब तक कंपनी मोनोपोली थी, अब तक केवल एकमात्र ये ब्रिटिश कंपनी जो इंडिया में ट्रेड करती थी व्यापार करती थी, लेकिन 1813 के बाद अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी इंडिया में आकर ट्रेड करने का मौका दिया गया। ठीक है, लेकिन तीन चीज़ें, चाय, अफीम और चीन के साथ, इन तीन चीज़ों के साथ व्यापार करने के लिए अभी भी केवल एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, बाकी अन्य जगह पर दूसरी ब्रिटिश कंपनी भी आके व्यापार कर सकते थे। दूसरी विशेषता थी कि कंपनी को शासन का अगले 20 साल के लिए फिर से रिन्यू कर देगा, फिर से आप अगले 20 साल तक काम करिए कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ये था दोस्तों कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कंपनी को परमिशन मिल गया, आप चाहे तो इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जो भी बाहर से आकर प्रचार करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा काम हुआ। चौथा काम क्या हुआ दोस्तों, इसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई, जिसमें एक धारा थी धारा 43, और उसमें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप हर साल 1,00,000 रुपये कम से कम भारत की शिक्षा पर खर्च कीजिए, और उस धारा 43 में लिखा गया था कि आपको ये पैसा भारत के विद्वान और भारत के साहित्य पर खर्च करना है। अब इसी भारत के विद्वान और भारत के साहित्य की व्याख्या ठीक से नहीं की गई थी, तो इसमें कुछ कमियां थी। कमियां में क्या थी भाई, कि ये बताया नहीं गया था कि भारत के कि कौन सी भाषा की शिक्षा पे खर्च करना है, भारत का साहित्य और भारत का विद्वान का मतलब क्या होता है, जिससे कंपनी में एक विवाद हो गया, जिस विवाद को हम कहते हैं प्राच्य पश्चात विवाद। प्राच्यवादी ये मानते थे कि ये 1,00,000 रुपये भारत की साहित्य, मतलब भारत की भाषा हिंदी, अरबिक, संस्कृत, और पश्चातवादी मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पे, और भारतीय विद्वान का मतलब प्राच्यवादी कहते थे भारत के हिंदी, संस्कृत, अरबी के विद्वान, और ये पश्चातवादी मानते थे, वेस्टर्न मानते थे कि अंग्रेजी के विद्वान। ठीक है, इसी तरह से विवाद हो गया जो कि 1833 तक चला। ठीक है, अब आइए इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दोस्तों, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेघालय
को मेकाले से सुझाव मांगा जाता है, सलाह मांगा जाता है। कौन मांगते हैं? लॉर्ड बैटिंग मांगते हैं। बैटिंग कौन थे उस समय के भारत के गवर्नर चल रहे थे। तो इसमें मेकाले आते हैं और मेकाले कहते हैं, मेकाले से कहा जाता है कि जो धारा 43 है उसके 1 लाख रुपए का आप जो वर्णन है उसकी व्याख्या करिए और बताइए इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। तो मेकाले बाकायदा क्या करते हैं, 1835 ईस्वी में एक पूरा विवरण पत्र जारी करके गवर्नर जनरल को देते हैं और बताते हैं कि इस 1 लाख रुपए को कहाँ खर्च करना है। तो क्या कहा था मेकाले ने अपने विवरण पत्र में, इस पैसे को कहाँ खर्च करने की बात की गई थी, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। एक सवाल आप होमवर्क के तौर पर मैं बता देता हूँ, मेकाले जो थे इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहा जाता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, सो ये मेकाले हैं। ठीक है, भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का फाउंडेशन आधार 1813 के चार्टर्ड एक्ट को कहा जाता है। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार फाउंडेशन कहा जाता है, या फिर वर्तमान शिक्षा का भी आधार यानी कि फाउंडेशन कहा जाता है। तो 1813 के बाद से बड़े विवाद हुए, वही चार्टर्ड एक्ट के बाद बड़ा विवाद हुआ शिक्षा में। तो मेकाले ने क्या कहा, पैसा को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे मेकाले के विवरण पत्र में, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए दूसरी खास बात जो आपसे करना है वो मैं कर लूँ कि दोस्तों दो चीज़ आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा, इतना आपको हिस्ट्री उसके बारे में नहीं लिख रहा है, 1813 का चार्टर्ड एक्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या कमियां थी और उसके बाद क्या विवाद हुआ, बस खलास 1813 का चार्टर्ड एक्ट। दूसरा प्राच्य पश्चात विवाद क्या था, प्राच्य पश्चात विवाद का मुख्य कारण क्या था और उसमें जो दो दल थे प्राच्यवादी उनका मत क्या था, पश्चातवादी उनका मत क्या था, उसके पीछे उनका तर्क क्या था। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अब एक काम करिए, आप इन चीज़ों को अपने शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखने के बाद पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, मुझे पर्सनल शेयर करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने कुछ लोगों से कहा था कि मुझे 10 लोग चाहिए, तो टचवुड मुझे 10 से ज़्यादा लोग मिल गए हैं। मैं अब डिसाइड करूँगा कि कौन वो 10 लोग मेरे साथ रहने वाले हैं। तो आप एक काम करिएगा, जो भी आपको समझ में आए, कहीं से कॉपी मत करिएगा, जो भी खुद से समझ में आया हो बस उसको लिखते जाइएगा। और चार्टर्ड एक्ट 1813 और प्राच्य पश्चात विवाद, इन दो टॉपिक पे अपने हैंड राइटिंग से नोट्स लिख के पीडीएफ बना के मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई ये पढ़ के पढ़ा के। मैं आशा करता हूँ आपको भी समझ आया होगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक काम करिएगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर फॉलो करना चाहे तो कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी, ट्विटर का ये है और फेसबुक का ये है, जहाँ भी जुड़ना चाहे जुड़ जाइए। हालांकि मैं अभी ये दोनों यूज़ कम करता, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम का भी, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे थर्ड वीडियो में, और थर्ड वीडियो क्या होने वाली है, मेकाले का विवरण पत्र। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।